हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाय अप्सरा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे 50 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ नवंबर मंथ विच आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सो बिलीव मी फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो बिना टाइम वेस्ट के आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। Who has been appointed as chairman of National Commission for Backward Classes? Right answer is option A, Hansraj Gangaram। तो हंसराज गंगाराम को अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में देख लेंगे। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो कि फॉर्म्ड किया गया था 14th अगस्त 1993 में, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसमें मेंबर होते हैं 5 मेंबर, 1 चेयरमैन, 1 वाइस चेयरमैन एंड 3 अदर्स मेंबर होते हैं। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 ने इसे प्रोवाइड किया था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, जिससे कि 2 न्यू आर्टिकल्स आर्टिकल 338B एंड आर्टिकल 342A कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किए गए थे। साथ ही आर्टिकल 366 में भी सर्टेन चेंजेस किए गए। काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, तो आप जरूर याद रखिएगा कि 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू NCBC। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच क्रिकेट गवर्निंग बॉडी हैज एंटर्ड इनटू द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर द बिगेस्ट क्राउड अटेंडेंस ड्यूरिंग अ T20 मैच? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, BCCI। BCCI ने एंटर्ड किया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर द बिगेस्ट क्राउड अटेंडेंस ड्यूरिंग अ T20 मैच। को याद रखना है फ्रेंड्स, BCCI के बारे में देख लेंगे। इसकी फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो कि फाउंड किया गया था 1928 में। इसका हेडक्वार्टर है वैंकड़े स्टेडियम में। प्रेसिडेंट है रोगर बिनी जी, CEO हैं हेमंग अमीन जी, वाइस प्रेसिडेंट हैं राजीव शुक्ला जी, सेक्रेटरी हैं जय शाह जी, मेंस कोच हैं राहुल द्रविड़ एंड विमेंस कोच हैं रमेश पावर जी। ये सब आपको याद रखना है फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल होस्ट द फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग इन इंडिया? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, उदयपुर। तो फ्रेंड्स, आपने याद रखना है कि राजस्थान के उदयपुर में फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग को होस्ट किया जाएगा 4 से 7 दिसंबर तक। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। 2023 की G20 मीटिंग जिसकी होस्ट सिटी रहेगी न्यू दिल्ली इंडिया में, ये भी आप याद रखिएगा। G20 के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये फाउंड किया गया था 1999 में। मेंबर्स हैं इसमें 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन। इंडिया इसका मेंबर है सिंस 1999 से। G20 मीटिंग के शेरपा हैं अमिताभ कांत जी, ये नाम आपको जरूर याद रखना है फ्रेंड्स। 2021 में G20 होस्ट कंट्री रही थी इटली। 2022 की होस्ट कंट्री रही है इंडोनेशिया, जिसकी थीम रही है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। 2023 में G20 मीटिंग होस्ट की जाएगी इंडिया में, जो कि इसका 18th एडिशन होगा। 2024 में ब्राजील होस्ट कंट्री रहेगी इसकी, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। यहाँ आप देख सकते हैं G20 कंट्रीज को। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ एथलीट्स कमीशन ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मैरीकॉम। मैरीकॉम इलेक्ट की गई है एज चेयरपर्सन ऑफ एथलीट्स कमीशन ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। साथ ही वाइस चेयरमैन रहेंगे कमल सान्नाथ जी, जो कि टेबल टेनिस से एसोसिएटेड हैं। इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। इसका हेडक्वार्टर है लोजेना स्विट्जरलैंड में। फाउंड किया गया था ये 1927 में और प्रेसिडेंट हैं थॉमस पैच। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अम्लान प्रोग्राम रिसेंटली? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ओडिशा। तो ओडिशा ने अम्लान प्रोग्राम रिसेंट में लॉन्च्ड किया है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अम्लान की फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान। ओडिशा के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। ओडिशा जिसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, इसके गवर्नर है गणेशी लाल जी और चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक जी। इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एडिशन ऑफ बायलेटरल एक्साइज बिटवीन द इंडियन नेवी एंड द रॉयल ओमान नेवी नसीम अल बहर 2022 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड ऑन द कोस्ट ऑफ ओमान रिसेंटली? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 13। नसीम अल बहर 2022 एक्सरसाइज का 13th एडिशन इंडियन नेवी और रॉयल ओमान नेवी के बीच ऑर्गेनाइज की गई है कोस्ट ऑफ ओमान पर, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। रिसेंट में हुई मिलिट्री एक्सरसाइज को रिवाइज कर लेंगे फ्रेंड्स। 8th जॉइंट मिलिट्री एक्स गरुड़ा शक्ति ऑर्गेनाइज
ऑर्गेनाइज की गई है कारावंग इंडोनेशिया में, ये आप याद रखिएगा। इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन 26th इंटरनेशनल मालाबार नेवल एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज इन जापान। मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में देख लेंगे। मैत्री मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की जाती है इंडिया एंड थाईलैंड के बीच। एक्वरिन मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की जाती है इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में। हैंड इन हैंड मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की जाती है इंडिया एंड चाइना के बीच में। मित्र शक्ति एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की जाती है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच। हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की जाती है इंडिया एंड मलेशिया के बीच। कुरुक्षेत्र इंडिया एंड सिंगापुर के बीच। नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की जाती है इंडिया एंड मंगोलिया के बीच। शक्ति एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की जाती है इंडिया एंड फ्रांस के बीच। सूर्य किरण एक्सरसाइज इंडिया एंड नेपाल के बीच। एंड युद्ध अभ्यास इंडिया एंड यूएस के बीच ऑर्गेनाइज की जाती है, ये आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been selected for the Coimbatore Rashtriya Puraskar 2022? Right answer is option B, V. Annamalai. V. Annamalai को सिलेक्ट किया गया है फॉर द Coimbatore राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए, ये आप याद रखिएगा। Coimbatore राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में देख लेंगे। ये एक नेशनल अवार्ड है जो कि इंस्टीट्यूट किया गया इन मेमोरी ऑफ लेट पोएट लॉरिएट Coimbatore। The award is given annually to a writer who has contributed in any of the language recognized by the Constitution of India. ये award carry करता है cash award of 5 lakh rupees, a silver medal and a citation. ये आपको याद रखना है friends. Recent awards देख लेंगे। UK's Royal Order of Merit award किया गया है Nobel Laureate Venki Ramakrishnan जी को। 31st बिहारी पुरस्कार अवार्ड किया गया है मधु कांकरिया जी को। एंड 32nd बिहारी पुरस्कार अवार्डेड किया गया है डॉक्टर माधव हाडा जी को। कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान अवार्ड 2022 अवार्ड किया गया है आरफा शेरवानी एंड अजीत अंजुम जी को। बेले के एशफोर्ड मेडल 2022 फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर सुभाष बसु को अवार्ड किया गया है। उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 अवार्ड किया गया है अजीत डोवल, बिपिन रावत, परासुन जोशी, गिरीश चंद्र तिवारी, वीरेन दंगवाल जी को। ज्वेलियन अवार्ड बाय फ्रेंच गवर्नमेंट अरुणा सैराम जी को अवार्ड किया गया है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the Chief Executive Officer of the Khadi and Village Industries Commission, KVIC? Right answer is option D, Vineet Kumar. तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि विनीत कुमार को अपॉइंट किया गया है एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। ये फाउंड किया गया था 1956 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। एजेंसी एग्जीक्यूटिव है मनोज कुमार जो कि चेयरपर्सन है, ये आप याद रखिएगा। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेंगे। प्रोफेसर वेणुगोपाल अजंता बने हैं 7th इंडियन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कमिटी फॉर वेट एंड मेजर्स, ये आपको याद रखना है। गौरव द्विवेदी अपॉइंट किए गए हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ स्टेट ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती फॉर 5 years, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन नेम्ड एज द नेशनल एम्बेसडर फॉर टीबी मुक्त भारत कैंपेन? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दीपा मलिक। दीपा मलिक को अपॉइंट किया गया है एज द नेशनल एम्बेसडर फॉर टीबी मुक्त भारत कैंपेन, ये आप याद रखिएगा। रिसेंट एम्बेसडर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड करेंट अफेयर रिवाइज कर लेंगे फ्रेंड्स। एथलीट नीरज चोपड़ा बन गए हैं फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड, ये आप याद रखिएगा। लियोनी मेसी हैज बिकम बायजूस फर्स्ट ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स सोशल इम्पैक्ट आर्म एजुकेशन फॉर ऑल। T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं इसके युवराज सिंह। सौरव गांगुली जी को अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर ऑफ बंधन बैंक। स्मृति मधाना जी को अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर ऑफ गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स। रोहित शर्मा एंड हिज वाइफ रितिका सजदे को अपॉइंट किया गया है एज एम्बेसडर ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। पुण्या कोटी दत्तू योजना जो कि कर्नाटक की योजना है इसके एम्बेसडर बने हैं कीचा सुदीप जी, इनका नाम आप याद रखिएगा। वाणी कपूर को अपॉइंट किया गया है एज एम्बेसडर ऑफ नॉइज एक्स फिट 2 स्मार्ट वॉच। रवि शास्त्री जी बन गए हैं एम्बेसडर ऑफ फैनकोट। महेंद्र सिंह धोनी एम्बेसडर हैं गरुड़ा एरोस्पेस के, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज पास्ड द फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद इंडिया? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट ने पास किया है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इंडिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। इसकी कैपिटल है कैनबरा और पीएम है एंथनी एल्बनीज। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑफिशियल मैस्कट ऑफ द कतर वर्ल्ड कप 2022? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लाइव। लाइव इज द नेम ऑफ द
ऑफिशियल मैस्कट ऑफ द कतर वर्ल्ड कप 2022, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। फीफा के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल फेडरेशन। ये फाउंड किया गया था 21 मई 1904 में। ये फाउंड किया गया था पेरिस फ्रांस में। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। 2018 में फीफा वर्ल्ड कप होस्ट कंट्री रही थी रशिया। 2022 में ये होस्ट किया जा रहा है कतर में, जिसके मैस्कट है लाइव। 2026 में ये 3 कंट्रीज के द्वारा होस्ट किया जाएगा, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स जो कि सेकेंड टाइम होस्ट कंट्री रहेगी इसकी, एंड मेक्सिको जो कि थर्ड टाइम होस्ट कंट्री रहेगा। फीफा वीमेन्स वर्ल्ड कप 2023 होस्ट कंट्री रहेगी ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ये भी आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ SCO समिट 2023? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फॉर अ सिक्योर SCO। तो आपने याद रखना है फ्रेंड्स, SCO समिट 2023 जो कि इंडिया में होस्ट की जाएगी, इसकी थीम रहेगी फॉर अ सिक्योर SCO। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स, और याद रखना है कि ये इंडिया में होस्ट किया जाएगा 2023 में। SCO समिट 2022 के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स, इसकी हेल्ड कंट्री रही है समरकंद उज्बेकिस्तान। 15 से 16 सितंबर 2022 को ये होस्ट किया गया था उज्बेकिस्तान समरकंद में। इसमें पार्टिसिपेट किया था इंडिया की ओर से PM नरेंद्र मोदी जी ने। और साथ ही याद रखिएगा कि वाराणसी को डिक्लेयर्ड किया गया है एस SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल फॉर 2022 to 2023। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। SCO के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स, SCO जिसकी फुल फॉर्म होती है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। मेंबर हो इसमें 8 मेंबर्स कंट्रीज हैं, जिन्हें आप मैप में भी देख सकते हैं, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ईरान विल बी द 9th मेंबर। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1996 में, शंघाई 5 ग्रुप्स के नाम से ये जाना जाता था। इसमें मेंबर थे तब चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान। 2001 में उज्बेकिस्तान के जुड़ने पर इसका नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रखा गया। इंडिया और पाकिस्तान ने इसे ज्वाइन किया था 2017 में, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज वॉन 2022 JCB प्राइज फॉर लिटरेचर? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, द पैराडाइज ऑफ फूड। तो फ्रेंड्स आपने याद रखना है कि द पैराडाइज ऑफ फूड बुक ने वॉन किया है 2022 का JCB प्राइज फॉर लिटरेचर। ये बुक लिखी गई है खालिद जावेद के द्वारा और बारन फारूकी जी ने इसे ट्रांसलेट किया है फ्रॉम उर्दू, और ये 5th JCB प्राइज फॉर लिटरेचर है जो कि 21 नवंबर 2022 को अवार्ड किया गया है। रीसेंट बुक एंड ऑथर से रिलेटेड करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेंगे फ्रेंड्स। विनिंग द इनर बैटल, ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट, शेन वॉटसन जी ने लिखी है ये बुक। द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग के ऑथर हैं बॉब डायलन जी। अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी ऑथर्ड की गई है साहिल सेठ जी के द्वारा। मोदी 20 टीम्स ड्रीम्स मीट डिलीवरी एस जे शंकर जी के द्वारा ऑथर की गई है। शी इज वुमेन इन स्टेम एल्सा मैरी डी सिल्वा एंड सुप्रीत के सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड एस जे शंकर जी के द्वारा ऑथर की गई है। मुस्कुराहटे चंद लम्हे और कुछ खामोशियां मनोज बाजपेयी जी के द्वारा लिखी गई है। अम्बेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन के ऑथर है रामनाथ कोविंद जी, आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द चेयर ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI इन 2022? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंडिया। तो इंडिया इज द चेयर ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन 2022। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका फॉर्मेशन हुआ था जून 15, 2020 में। इसका पर्पस है एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी लोकेशन है पेरिस फ्रांस मॉन्ट्रियल कनाडा। प्रेजेंट मेंबर है 25 कंट्रीज, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रिसेंटली? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अरुण गोयल। अरुण गोयल जी को अपॉइंट किया गया है एज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रिसेंट में, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देख लेंगे, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये एस्टेब्लिश किया गया था 25 जनवरी 1950 में। इसमें 3 मेंबर्स होते हैं, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं जिनकी टर्म लेंथ होती है अप टू 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज। आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रहे हैं सुकुमार सेन जी, ये आपने जरूर याद रखना है। फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रही हैं VS रामा देवी जी, और ये 9th चीफ इलेक्शन कमिश्नर रही थी इंडिया की जो कि अपॉइंट की गई थी 1990 में। और करंट में 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है राजीव कुमार जी। और फ्रेंड्स आपने ये भी याद रखना है कि हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022? राइट आंसर इज ऑप्शन
एनडी 61st नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में 61st रैंक पर रही है इंडिया की। आपने याद रखना है टॉप किया गया है यूएस के द्वारा। और साथ ही याद रखिएगा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में टॉप किया है डेनमार्क एंड स्वीडन ने और इंडिया की रैंक रही है 8th। ये भी आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैम्ब्रिज डिक्शनरी हैज डिक्लेयर्ड व्हिच वर्ड एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2022। राइट आंसर इज ऑप्शन डी होमर। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने डिक्लेयर्ड किया है होमर वर्ड को एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2022। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। होमर रेफर्स टू अ होम रन इन द पॉपुलर अमेरिकन स्पोर्ट बेसबॉल। और साथ ही याद रखिएगा कि कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022 है परमा क्राइसिस। नेक्स्ट C.V. Ananda Bose has been appointed as the governor of which of the following state? Right answer is option B, West Bengal. West Bengal के new governor appoint किए गए हैं C.V. Ananda Bose जी। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। स्टेट गवर्नर के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। आर्टिकल 153 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है फॉर अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ये भी प्रोवाइड करता है कि अ गवर्नर कैन बी अपॉइंटेड टू और मोर स्टेट्स। आर्टिकल 155 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। गवर्नर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ही एंड शी हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 इयर्स और टर्म ऑफ द गवर्नर होती है 5 इयर्स और एट द प्लेस ऑफ द प्रेसिडेंट। ये आप जरूर याद रखिएगा। गवर्नर ऑफ मेघालय रिसेंट में अपॉइंट किए गए हैं बीटी मिश्रा जी। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट Who became first Indian to elected in ITTF Athletes Commission? Right answer is option A, Sharad Kamal. Sharad Kamal को appoint किया गया है first Indian to elected ITTF Athletes Commission. ITTF के बारे में देख लेंगे। इसकी full form होती है International Table Tennis Federation. इसका headquarter है लोजेना स्विट्जरलैंड में। President है पेट्रा सोलिंग। ये responsible होता है organization of International Table Tennis Tournament including World Cups. ये आप याद रखिएगा। Next question. Which among the following has launched the fourth phase of digital शक्ति कैंपेन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने लॉन्च किया है फोर्थ फेज ऑफ डिजिटल शक्ति कैंपेन। ये फोर्थ फेज है। तो फर्स्ट फेज कब लॉन्च किया गया था? ये स्टार्ट किया गया था 2018 में, 2019 में सेकेंड और 2021 में थर्ड फेज आया था और अब फोर्थ फेज आया है इसका। डिजिटल शक्ति फोर फोकस करता है ऑन मेकिंग वुमेन डिजिटली प्रोफिशिएंट एंड अवेयर टू स्टैंड अगेंस्ट एनी इलीगल इन अप्रोप्रिएट एक्टिविटी ऑनलाइन। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के बारे में देख लेंगे। ये एक स्टेचुटरी बॉडी है जो कि फॉर्म्ड की गई थी 1992 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन है रेखा शर्मा जी और फर्स्ट चेयरपर्सन रही थी जयंती पटनायक जी जिनका हाल ही में देहांत हो गए। यहाँ आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country is the host of 19th conference of the parties to sites? Right answer is option B, Panama. Panama host country रहेगी 19th conference of the parties to sites। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। sites जिसकी फुल फॉर्म होती है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ये साइन किया गया था 3 मार्च 1973 में। इसकी लोकेशन है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये इफेक्टिव हुआ था 1 जुलाई 1975 से। इसकी लैंग्वेज है इंग्लिश फ्रेंच एंड स्पेनिश। ये साइन किया गया था 3 मार्च 1973 में। इसलिए हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड लाइफ डे मनाया जाता है 2013 से। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डॉक्टर अरविंद वीरमणी। डॉक्टर अरविंद वीरमणी जी को अपॉइंट किया गया है फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। ये आप याद रखिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के बारे में देख लेंगे। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एस्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 2015 में। फाउंडर है इसके नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। चेयरमैन है इसका प्राइम मिनिस्टर जो कि करंट में है नरेंद्र मोदी जी। वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी जी। आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) has agreed in principle to admit which country as the group's 11th member? Right answer is option D, East Timor. East Timor 11वां member बनने जा रहा है The Association of Southeast Asian Nations का। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। ASEAN के बारे में देख लेंगे। इसकी फुल फॉर्म हो गया Association of Southeast Asian Nations। ये फाउंड किया गया था 1967 में। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में। और यहाँ मैप में आप देख सकते हैं इसकी मेंबर कंट्रीज मलेशिया, ब्रुनई, मां, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस एंड कंबोडिया। और यहां आप देख सकते हैं ईस्ट तिमोर जो कि इसका 11वां मेंबर
बनने जा रहा है। 18th एशियन इंडिया समिट की होस्ट कंट्री रही है ब्रुनेई, जो कि वर्चुअली समिट रही थी, उसमें पार्टिसिपेट किया था नरेंद्र मोदी ने इंडिया की ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th एडिशन ऑफ अमूर फाल्कन फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मणिपुर। मणिपुर में 7th एडिशन ऑफ अमूर फाल्कन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है, यह आपने याद रखना है फ्रेंड्स। और साथ ही याद रखेगा कि मेघालय में 46th एडिशन ऑफ वांगला फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल ऑर्गेनाइज द थर्ड मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑफ नो मनी फॉर टेरर ऑन 18th एंड 19th नवंबर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इंडिया। इंडिया ने ऑर्गेनाइज की है थर्ड मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑन नो मनी फॉर टेरर ऑन 18th एंड 19th नवंबर। मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑन काउंटरिंग रिनाउंसिंग ऑफ टेररिज्म नो मनी फॉर टेरर, इसका एडिशन था ये थर्ड, ऑर्गेनाइज की गई थी न्यू दिल्ली में 18 नवंबर को। इसकी एम है टू प्रोग्रेस द डिस्कशंस ऑन कॉम्बेटिंग टेररिस्ट फिनांसिंग, आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड वॉन विच एडिशन ऑफ द T20 वर्ल्ड कप इन 2022। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 8th एडिशन। तो आपने याद रखना है फ्रेंड्स कि 2022 में मेंस T20 वर्ल्ड कप का 8th एडिशन था, जिसकी होस्ट कंट्री रही है ऑस्ट्रेलिया, और फर्स्ट एडिशन था 2007 में, जो कि वॉन किया गया था इंडिया के द्वारा। आप याद रखिएगा, T20 वर्ल्ड कप 2022 के बारे में देख लेंगे, ये 16 अक्टूबर 2022 से 13 नवंबर 2022 तक चला। इसके एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, की होस्ट कंट्री रही है ऑस्ट्रेलिया, चैंपियन रहा है इंग्लैंड, जो कि इसका सेकंड टाइटल है। इससे पहले ये 2010 में चैंपियन रह चुका है। रनर अप टीम रही है पाकिस्तान, पार्टिसिपेंट्स थे 16 टीम्स और मैचेस हुए हैं 45। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं सैम कुरन, जो कि इंग्लैंड टीम से बिलोंग करते हैं, और मोस्ट रन लिए गए हैं विराट कोहली जी के द्वारा 296। मोस्ट विकेट्स लिए गए हैं पानिंडू हजरंगा के द्वारा, जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। और साथ ही याद रखिएगा फ्रेंड की सूर्य कुमार यादव हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एंड सेकंड प्लेयर टू स्कोर 1000 T20 इंटरनेशनल रन इन अ कैलेंडर ईयर। ICC के अपकमिंग इवेंट्स लिस्ट देख लेंगे फ्रेंड्स। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024, जो कि इसका 9th एडिशन रहेगा, USA एंड वेस्ट इंडीज में होस्ट किया जाएगा। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का 10th एडिशन इंडिया एंड श्रीलंका में होस्ट किया जाएगा, और 11th एडिशन 2028 में ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में होस्ट किया जाएगा। 12th एडिशन इंग्लैंड, आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड में होस्ट किया जाएगा। ICC मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की होस्ट कंट्री रहेगी पाकिस्तान, मेंस चैंपियन ट्रॉफी 2029 की होस्ट कंट्री रहेगा इंडिया। आपने जरूर याद रखना है फ्रेंड्स, ICC मेंस 50 ओवर वर्ल्ड कप 2023, जो कि इसका 13th एडिशन होगा, होस्ट कंट्री रहेगी इंडिया, ये भी आप जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स। ICC मेंस 50 ओवर वर्ल्ड कप 2027 14th एडिशन, होस्ट कंट्रीज रहेंगी साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नामीबिया, और इसके 15th एडिशन 2031 में होस्ट किया जाएगा इंडिया एंड बांग्लादेश में, ये भी आपको जरूर याद रखना है फ्रेंड्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी हैज लॉन्च अ सिंगल विंडो फैसिलिटी फॉर द वेलफेयर एंड ग्रीवेंस रेड्रेसल ऑफ वीर नारीज रिसेंटली, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस विंडो फैसिलिटी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वीरांगना सेवा केंद्र। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, वीरांगना सेवा केंद्र सिंगल विंडो फैसिलिटी फॉर द वेलफेयर एंड ग्रीवेंसेस रेड्रेसल ऑफ वीर नारीज लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा, ये आपने याद रखना है। इंडियन आर्मी के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स, ये फाउंड किया गया था 26 जनवरी 1950 में, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान जी, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल मनोज पांडे जी, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल PS राजू जी। नेक्स्ट, विच कंट्री होस्टेड द सेकंड बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इंडिया। बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग 2022 के बारे में देख लेंगे, ये एडिशन था इसका सेकंड, होस्ट कंट्री रही है इंडिया, न्यू दिल्ली। बिम्स्टेक के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स, इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये एस्टेब्लिश किया गया था 1997 में। इसमें मेंबर हैं 7 कंट्रीज, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड भूटान। यहाँ आप मैप में भी देख सकते हैं, हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश में, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी इन 2022। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वसुधेवा कुटुंबकम। G20 के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स, ये फाउंड किया गया था 1999 में, मेंबर कंट्रीज है 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन। इंडिया इसका मेंबर है सिंस 1999 से। 2021 में G20 के होस्ट कंट्री रही इटली, 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में इंडिया, जो कि इसका 18th एडिशन होस्ट करेगा, 2024 में ब्राजील, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी बने हैं 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देख लेंगे, ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि फॉर्म की गई थी 1834 में। ये कॉन्स्टिट्यूट की जाती है 3 ईयर्स के लिए, इसमें 7 मेंबर्स होते हैं। 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि 2018
2018 में एंड हो गया था, उसे हेड किया गया था फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज बी एस चौहान जी के द्वारा। फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन रहे थे आफ्टर इंडिपेंडेंस 1955 में एमसी सतलवाद, इनका नाम भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has inaugurated the 6th edition of Ganga Utsav 2022 in New Delhi? Right answer is option B, G. Kishan Reddy. G. Kishan Reddy ji ne inaugurate kiya hai 6th edition of Ganga Utsav 2022 New Delhi mein. National Mission for Clean Ganga has been celebrating Ganga Utsav since 2017 every year on 4th November. The day on which river Ganga was declared the National River of India in the year 2008. Ye bhi aap yaad rakhiyega. Next question, who has been elected as the new Prime Minister of Israel? Right answer is option D, Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu elect kiye gaye hain as the new President of Israel. Isse pehle bhi ye iske President reh chuke hain. Ye aapne yaad rakhna hai friends, Israel jiski capital hai Jerusalem, ye aap yaad rakhiyega. Yahan updates bhi dekh sakte hain. Newly appointed Prime Minister and President ke bare mein dekh lenge friends. President of Kazakhstan bane hain Kasim Jomart Tokayev ji, ye aap yaad rakhiyega. Female President of Slovenia bani hain lawyer Natasha Pirkmusar ji. First Indian American to be elected as Lieutenant Governor in the state of Maryland, Aruna Miller ji, inka naam bhi aapko yaad rakhna hai friends. Prime Minister of Malaysia bane hain Anwar Ibrahim ji. Prime Minister of Saudi Arabia bane hain Mohammed bin Salman. First woman Prime Minister of Italy bani hain Giorgia Meloni ji. President of Angola bane hain Joao Lourenco, jo ki inki second term hai. PM of UK bane hain Rishi Sunak ji. Prime Minister of Serbia bani hain Ana Brnabic ji. And new President of Kenya bane hain William Ruto ji. In sabka naam aap yaad rakhiyega. Next question, who has assumed charge as the defense secretary? Right answer is option A, Gridhar Aramane. Gridhar Aramane ko appoint kiya gaya hai as the defense secretary. Aapne yaad rakhna friends, other appointments dekh lenge. Controller and Auditor General of India hain Girish Chandra Murmu ji, ye aapne yaad rakhna hai. Controller General of Accounts CGA bani hain Bharti Das ji. National Security Advisor of India hain Ajit Doval ji. Central Vigilance Commission of India CVC hain Suresh N. Patel ji, and Chairman of Competition Commission of India hain Ashok Kumar Gupta ji, inka नाम आप याद रखिएगा। सुब्रकांत पांडे जी को अपॉइंट किया गया है एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और हमारे 15th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी, इनका नाम भी आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जमशेद जे ईरानी ऑल्सो नोज एज द स्टील मैन ऑफ इंडिया पास्ड अवे रिसेंटली, इन विच ईयर डिड ही गेट पद्म भूषण फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडस्ट्री? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 2007। डॉक्टर जमशेद ईरानी जी जिन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इनका देहांत हो गया है, आपको याद रखना है फ्रेंड्स। रिसेंट ऑबिचुरीज करंट अफेयर्स देख लेंगे। गोवर्धना सुंदरा वरादाचारी जो कि एमिनेंट एडिटर एंड जर्नलिस्ट थे, इनका देहांत हो गया है, इनका नाम आपने याद रखना है फ्रेंड्स। सर डेविड बटलर जो कि एमिनेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड सेफोलॉजिस्ट थे। श्याम सिंह नेगी जो कि फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। गुलाम अब्बास मुंतासिर जो कि फॉर्मर इंडिया बास्केटबॉल कैप्टन एंड अर्जुना अवार्डी थे, इनका भी देहांत हो गया है। इला भट्ट जो कि पद्म भूषण अवार्डी रह चुकी है, रमन मैगसेसे अवार्डी एंड द गांधी पीस प्राइस रेसिपिएंट रह चुकी हैं, इनका भी देहांत हो गया है, ये सब आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन द मैक्सिकन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मैक्स वर्स्टैपेन। मैक्स वर्स्टैपेन ने वॉन किया है मैक्सिकन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022। ये आप याद रखिएगा। रिसेंट ग्रैंड प्रिक्स रिलेटेड करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेंगे फ्रेंड्स। ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 वॉन किया गया है जॉर्ज रुसेल जो कि ब्रिटिश है, इनके द्वारा। मैक्सिकन ग्रैंड 2022 मैक्स वर्स्टैपेन जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, इनके द्वारा वॉन किया गया है। यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2022 मैक्स वर्स्टैपेन नीदरलैंड। जापानीज ग्रैंड प्रिक्स 2022 मैक्स वर्स्टैपेन। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 सर्जियो पेरेज जो कि मेक्सिको से बिलोंग करते हैं, इनके द्वारा जीता गया है। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 भी मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है, ये सब आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इंडिया जूनियर हॉकी टीम वॉन द जोहर कप 2022 आफ्टर डिफीटिंग Which country? Right answer is option C, Australia को हराकर इंडिया की जूनियर हॉकी टीम ने वॉन किया है जोहर कप, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। और साथ ही याद रखिएगा कि जोहर कप एसोसिएटेड है हॉकी से। और साथ में ये भी याद रखिएगा कि स्विट्जरलैंड ने वॉन किया है बेली जीन किंग कप जो कि फर्स्ट टाइम जीता गया है स्विट्जरलैंड के द्वारा। इन्होंने डिफीट किया है 7 टाइम चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को। बेली
जीन किंग कप 2022 वॉज द 59th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल वीमेन्स टेनिस टूर्नामेंट एंड वॉज हेल्ड इन स्कॉटलैंड, ये भी आप याद रखिएगा। बेलिंग जीन कप रिलेटेड होता है टेनिस से, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI हैज अप्रूव्ड विच एनिमल एज अ फूड एनिमल रिसेंटली? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हिमालयन याक। हिमालयन याक को FSSAI ने अप्रूव्ड किया है एज अ फूड एनिमल रिसेंट में। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में देख लेंगे, ये फाउंड किया गया था 5th सितंबर 2008 में, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और चेयरपर्सन है रीता टेओटिया, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द हर घर गंगा जल स्कीम? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिहार। बिहार ने लॉन्च किया है हर घर गंगा जल स्कीम, जो की डिलीवर करेगी वाटर फ्रॉम गंगा रिवर टू द ड्राई एरियाज इन द स्टेट दैट डू नॉट लाई अलोंग द कोर्स ऑफ द पीपल, ये आप याद रखिएगा। रिसेंट स्टेट से रिलेटेड स्कीम्स देख लेंगे, केरला ने लॉन्च किया है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर स्कीम, ये आपने याद रखना है। ओडिशा ने लॉन्च किया है कॉमन क्रेडिट पोर्टल सफल टू इंक्रीज फार्मर्स एक्सेस टू लोन। नेक्स्ट, इन विच ईयर वर्ल्ड टेलीविजन डे वॉज एस्टेब्लिश्ड? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 1996। वर्ल्ड टेलीविजन डे जो कि 21 नवंबर को हर साल मनाया जाता है 1996 में एस्टेब्लिश किया गया था ये फ्रेंड्स। नवंबर मंथ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डेज यहाँ पर मैंने लिखे हैं, आप इनको जरूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स। जितने भी नवंबर मंथ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी मैंने इस वीडियो में लिए हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो तो फ्रेंड्स प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, थैंक यू फ्रेंड्स।